Very good morning, students. Already we have completed our lesson. So today we are going to start the revision. We have to take all the revisions what this lessons tell to about us. So what is the lesson name? Plant bird. Yes or no? So one bird was there, and what its name? Its name was Bittu. Yes or no? So the king of jungle. Who is the king of jungle? Lion. The lion has given the order to the Bittu. You have to be go by a tour. You have to see the all the India and see where is the safe place to us. Yes or no? So all the Bittu has gone all over the India and he has seen the different types of the plants there. He has visited to the cold regions. He has visited to the warm regions, he has visited to the deserts, he has visited to the ocean, seas, yes or no? He has visited to the aquatic plants, yes, and he has seen the various things of there. So, one of his friends, when he came back, he sat on his favorite tree. So, favorite tree has asked to the Bittu, hey Bittu, what happened? Where were you? And what? I have not seen you a long day then. Yes or no? Then Bittu has given the answers. इस कहानी में क्या है? एक जो पक्षी है ना, एक पक्षी है, पक्षी का नाम है बिट्टू. वो जंगल का राजा जो सिंह होता है, लायन होता है, उसने उसे ऑर्डर दिया होता है कि जाओ पूरा भारत भ्रमण करके आ जाओ. तो वो चला जाता है. कहाँ चला गया? वो वार्म रीजन में चला गया, कोल्ड रीजन में चला गया, डेजर्ट्स में चला गया, ओशंस में चला गया, और एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर प्लांट थे उधर गया है. सब जगह जाकर घूम कर आया. जब घूम कर आया और उसका जो पसंदीदा पेड़ था एक, उसके ऊपर जाकर वो बैठ गया. और फिर उस पेड़ ने उसे पूछा, हे बिट्टू, आप इतने देर से कहाँ थे, कहाँ गए थे आप? तो उसने बताया कि मैं टूर पर गया था. और क्यों गया था? क्योंकि मुझे देखना था भारत में कौन कौन से पेड़ है, कैसे कैसे लगते हैं. तो सबसे पहले वो कहा गया, प्लांट्स ग्रोइंग इन कोल्ड रीजन्स, जहाँ प्लांट्स कोल्ड रीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते उधर चला गया. तो उसने वहाँ क्या देखा? व्हाट ही हैज सीन देयर, ही हैज सीन इन द कोल्ड रीजन्स आल्सो द प्लांट्स आर ग्रोइंग, सम ऑफ देवदार फिर प्लांट्स आर देयर, दे आर ग्रोइंग वेरी हैवीली हाईली. Yes or no? So he has seen that one, and that plant's shapes is like that, like a conical shapes. Yes or no? So snow and the rain will not stay there, it will be fall down side. तो उसने देखा कि कोल्ड रीजन में जो देवदार और फिर के जैसे ट्री होते हैं वो बहुत ही बड़े लंबे होते हैं और ऐसे कोन की तरह होते हैं. कोन है ना, आइसक्रीम कोन होता है ना, वैसे होते हैं. क्योंकि उसके ऊपर अगर बर्फ गिर जाए, पानी गिर जाए, तो वो ठहरेगा नहीं, वो सीधा नीचे आ जाएगा. और उसने देखा कि इट हैज द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो देयर, वहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी होते हैं. ठीक है, उसके बाद में वो कहा गया, प्लांट्स ग्रोइंग इन द वार्म रीजन, जहाँ वार्म रीजन गर्म एरिया होता है, गर्म एरिया में आ गया. और उसने वहाँ के जो प्लांट्स देखे, द ट्री आस्क विच अदर ट्रीज, ओके द ट्री, द बिट्टू हैज गिवन द रिप्लाई, द ट्री आस्क, द ट्री ने उसे पूछा कि वार्म रीजन में कौन कौन से पेड़ होते. तो बिट्टू ने बताया कि वहाँ मैंगो होते हैं, नीम होते हैं, और वहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ही बहुत हरे होते हैं, हरे और मतलब बहुत ही बड़े 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 होते हैं वार्म रीजन में. और उसने बताया कि वार्म रीजन में पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी बहुत कम गिरता है, और लेकिन वहाँ जो है नीम, मैंगो ऐसे ट्री हमें मिलते हैं. और वार्म रीजन में ही हमें क्या मिलता है, कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं? यस, नीम ये मिलते हैं. और फिर उसके बाद में वो कहा गया, प्लांट्स ग्रोइंग नियर द सी, वो चला गया जहाँ समुद्र होता है, समुद्र के पास में जाकर उसने देखा कि वहाँ कोकोनट और पाम के ट्री जैसे होते हैं. कोकोनट उसने वहाँ महसूस किया कि नियर टू द ओशंस और सीज द सॉइल इज बिकम द सॉल्टी, जो ओशन और सी की जगह होती है वो सॉल्टी होती है, लेकिन उसमें भी पेड़ आते हैं जैसे कि कोकोनट और पाम के, और वो बड़े ही लंबे होते हैं. और कोकोनट का पानी तो हमारे लिए अमृत होता है क्या नहीं? जब हम
कोकोनट का पानी पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, कैसा होता है? बहुत ही बहुत मीठा होता है। देन उसके बाद में कहा गया प्लांट्स ग्रो इन रीजन इन विथ हैवी रेनफॉल। फिर वो हो गया कि जहाँ बहुत सारी बरसात होती है, बहुत सारा पानी बरसता है, उसी जगह पर गया। और उसी जगह पर उसने क्या पाया? यस फाउंड दैट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ द प्लांट्स आर देयर, मीन्स नॉट ओनली वन काइंड ऑफ द प्लांट्स, मेनी काइंड ऑफ द प्लांट्स ही हैज सीन देयर। बहुत सारे उसने प्लांट्स देखे और बहुत सारे प्लांट्स, बड़े बड़े पेड़ पौधे देखे, बड़े बड़े मैंगो देखा, नीम देखा, फिर बनियन ट्री देखा, ठीक है नहीं, ट्री पून ट्री, बहुत सारे ट्री ऐसे होते हैं कि जहाँ बहुत सारे, और जहाँ बरसात होगी वही बहुत सारे पेड़ होते हैं। और उसने वहाँ देखा कि वहाँ रबर और राइस भी होता है, और राइस तो हम बहुत अच्छे, जब राइस हम तो बहुत बड़े प्यार के साथ खाते हैं राइस, ठीक है नहीं। फिर प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, फिर उसके बाद में बिट्टू कहाँ चला गया? जहाँ डेजर्ट में चला गया। तो उसने कहा वहाँ, उसने उसे क्या महसूस हुआ कि डेजर्ट इज वेरी वार्म एरिया, वेरी हॉट एरिया, ड्यूरिंग द वेरी हॉट एंड ड्यूरिंग द नाइट इज वेरी कोल्ड, यस और नो? इट इज अ लैक ऑफ वाटर, वहाँ पानी बहुत कम है, पानी नहीं मिलता। कुछ जगह ऐसे होते हैं वहाँ पानी मिलता है, और दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात में बहुत ठंडी रहती है। लेकिन उस डेजर्ट्स में भी हमें कुछ पेड़ मिल गए जो हमें डायमंड की तरह दिखे, हरे पेड़ दिखे, जैसे कैक्टस, किकर, है क्या नहीं। अगर डायमंड, अगर वहाँ पे सैंड में भी हमें अगर मिलते हैं, कौन से मिलते हैं? जैसे कि कैक्टस, किकर, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ में मिलते हैं, जो उनके ऊपर बड़े बड़े थ्रोन होते हैं, है क्या नहीं। देन एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसे होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। लेकिन बिट्टू तो पानी में नहीं जा सकता था फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन उसका जो फ्रेंड था वो पानी के अंदर चला गया। उसने हाइड्रिला के जो प्लांट्स होते हैं उसने वो लाए, और लोटस, है क्या नहीं, लोटस, हाइसिंथ जैसे डकवीड फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर ही आते हैं, और पानी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं लोटस, आपने देखा होगा ऐसे प्लांट्स, ठीक है। तो वहाँ से बिट्टू आ गया, और बिट्टू ने फिर उसने एक जो उसके पेड़ था उसका पेड़, फिर उसने बताया कि यूजेस ऑफ लीव्स, लीव्स का क्या उपयोग करते हैं। बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं, साइज में होते हैं, जैसे कि तुलसी लीव्स होते हैं, नीम लीव्स होते हैं, उनका बहुत ही बहुत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लीव्स बहुत बड़े होते हैं, कोकोनट ट्रीज और पाम ट्रीज, ये सब उनके लिए जो हम हट बनाने के लिए करते हैं, बनाना लिए जो होते हैं वो फूड सर्विंग के लिए करते हैं, उनके ऊपर हम फूड खाते हैं। और मेहंदी के लिए जो होते हैं वो हमें खाने, मतलब कलर्स एंड को एंड्स के ऊपर कलर्स करने के लिए, मेहंदी निकालने के लिए, नहीं तो बॉलों में लगाने के लिए मेहंदी का उपयोग करते हैं। बिटल लिव्स मतलब हम खाने का पत्ते, खाने के पान जो होते हैं वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में बिट्टू को क्या दिखाया कि लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो मैंने भी कल आपको दिखा था डिफरेंट शेप्स में लीव्स आते हैं, ठीक है नहीं। सबके शेप्स अलग होते हैं, किसी के शेप्स गोल होते हैं, किसी के ऐसे बहुत बड़े लंबे होते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री बहुत बड़ी होती है, बनाना लीव्स बहुत ही बड़े होते हैं, और कुछ लीव्स बहुत ही बहुत छोटे होते हैं, कुछ लीव्स उनके ऊपर थ्रोन होते हैं, है क्या नहीं, जैसे कि रोज लीव्स, लीव्स विथ फ्रेग्रेंस। बाद में उसको समझ में आया कि ऐसे कुछ लीव्स होते हैं जिनसे फ्रेग्रेंस, जैसे स्मेल आती है, टी प्लांट्स होते हैं, तुलसी प्लांट्स होते हैं, उनके से हमें स्मेल आती है, आते हैं ना। तो लीव्स ऑफ विथ डिफरेंट एजेस, उसकी जो एज होती है जो वो डिफरेंस होती है, मैंने कल आपको ऐसे दिखाए थे लीव्स जो है उसके वो डिफरेंट एजेस होते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। देन आपने आपको बताया था कि आपके बाहर जाओ और आपको लीव्स जमा करना है बहुत सारे, शायद आपने किए होंगे, ठीक है। तो अब तक हम यही बस करेंगे, और कल हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको ये लेसन इंग्लिश में भी समझाया, हिंदी में भी समझाया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तब तक आप क्वेश्चन आंसर्स पेंड करो, देखो आपको मिलते हैं क्या नहीं। तब तक बाय बाय।